मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों की कमी को देखते हुए सरकार ने पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद इंदौर में भी लंबे समय से रुके पुलिसकर्मी से लेकर अधिकारियों तक की पदोन्नति होने वाली है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि जो पुलिसकर्मी पदोन्नति की लाइन में लंबे समय से खड़े थे, रैंक के अनुसार उनको पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही पुलिसकर्मियों से लेकर थाना स्तर के अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। जवान जो लंबे समय से पदोन्नति न होने के कारण हतोत्साहित महसूस अगर कोई कर रहा हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण है। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल में जो सक्षम अधिकारी हैं, जो कि हम जानते हैं कि पुलिस में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि रैंक से बंधे होते हैं, बहुत सारी ऐसी विवेचनाएं होती हैं जो रैंक की परिधि से तय होती हैं। इसमें अब सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ASI पद पर बहुत सारे ऐसे जवान जो लंबे समय से किसी तकनीकी कारणों से या जो भी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार उनका प्रमोशन या उनका पदोन्नति बाधित है, उनके लिए किया गया है और पुलिस रेगुलेशन 72 के अनुसार आने वाले दिनों में उनको निर्धारित शर्तों के तहत, जिसमें उन्हें वेतन तो नहीं मिलेगा, वेतन तो पूर्ववत रहेगा, लेकिन उनको रैंक मिल जाएगी, वो अधिकार मिल जाएंगे जो नए पद पर वो कर सकते।